हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आप में बार बार पूछ रहे हैं कि फर्स्ट क्लास को कैसे पढ़ाएं। तो फर्स्ट क्लास हमारी ऑनलाइन चल रही है, तो हम देखते हैं कि मैम उनको क्या पढ़ा रही हैं, फर्स्ट क्लास में कैसे पढ़ा रही हैं। तो मैम मैथ्स पढ़ा रही हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ फर्स्ट क्लास को कैसे पढ़ा रही हैं। तो मैम आज फर्स्ट क्लास में काउंटिंग सिखा रही हैं फर्स्ट क्लास को। तो फर्स्ट क्लास को कैसे पढ़ाया जाता है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट क्लास में आज क्लास स्टार्ट करी है, तो काउंटिंग से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट डे है बच्चों को। तो बच्चों को पहले तो प्रेप क्लास से बच्चा सीख कर रहा है वो बताया जाता है कि बच्चा कैसे कर रहा है। तो एक मैम पढ़ा रही हूँ और एक मैम साथ में बैठी हूँ, और छोटे बच्चों को लिखाना बहुत बड़ा काम है। तो पूरे प्रॉपर मैम ने ब्लॉग बना रखे हैं कि बच्चों को कैसे लिखाना और कैसे सिखाना। देखिए बच्चों को लिखने का पूरा मैम प्रॉपर तरीका बता रही है। क्रॉस लगा रखा है जहाँ बच्चों को एक बॉक्स लेफ्ट करना है, पूरा उनको प्रॉपर उनको बताया जाता है बोर्ड के ऊपर। आपको वन वन बॉक्स लेफ्ट करते जाना है, नंबर लिखना। मैम के पास बॉक्स प्रॉपर नहीं है, जगह नहीं है, इसमें मैम लेफ्ट नहीं करेगी। पर आपको जो भी आप नंबर आप लिखोगे उसमें वन वन, फिर आप नेक्स्ट नंबर आपका आएगा 25। बॉक्स लेफ्ट करना है, फिर 36। फिर नेक्स्ट 36 के बाद क्या आता है, 37। फिर 38। नेक्स्ट नंबर है 41 से स्टार्ट करते हैं। आपको बॉक्स लेफ्ट करना है, एक एक नंबर के बाद बॉक्स छोड़ते जाना है। फिर नंबर आएगा आपका 42। 42 के बाद क्या आता है, 43। नंबर आप प्रॉपर बनाएंगे, G10B लिखेंगे और पेंसिल आपको शार्प रखनी है। सब बच्चे अपने पेंसिल शार्प रखेंगे ताकि आपकी राइटिंग अच्छी है। 44 के बाद नेक्स्ट नंबर 45। फिर 45 के बाद क्या आता है, 46। Then 47 और गोल गोल कर लिखना है ताकि आपको काउंटिंग याद हो जाए, ठीक है। और घर पे भी आप रफ कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे। 48 48 के बाद क्या आएगा, 49। लास्ट नंबर है 50, यहाँ स्पेस थोड़ा कम है, से लास्ट नंबर आपका आ गया 50। 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। ये पूरी 1 से लेकर 50 तक काउंटिंग करनी है, ठीक है। यस, आवाज आ रही है सबको? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग क्लास, यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबको आवाज आ रही है मेरी? यस। अब आप लोग अपने अपने स्पीकर ऑफ कर दीजिए, सारे बच्चे अपना स्पीकर ऑफ कर देंगे, म्यूट कर देंगे। कल हमने हिंदी वन में अ से अनार, क से कबूतर पढ़ा था, लिखा था ना हमने अ से अह तक और क से ज्ञानी तक। सबकी कॉपीज में हो गया? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। सबकी कॉपी में कल क से ज्ञ तक और अ से अह तक हो गया था? क्लास पर सुनाई दे रहा है आपको? एक तो पहले अपना स्पीकर ऑफ करिए, सब बच्चों के स्पीकर ऑफ होना चाहिए। और आप जो भी जवाब देंगे अपना हाथ रेज करके देंगे बस। कल आपने अ से अह तक और क से ज्ञ तक करा था हिंदी वन की कॉपी में। आज हम लिखेंगे दो अक्षर के शब्द, ठीक है। आपने प्रेप क्लास में भी पढ़ा होगा दो अक्षर के शब्द कैसे होते हैं, अ ब अब न ल नल। जब हम दो अक्षरों को मिला देते हैं तो वो एक शब्द बन जाता है, ठीक है। तो आज हम दो अक्षर वाले शब्द करेंगे और वो आपको हिंदी वन की कॉपी में लिखने। चेक आउट योर कॉपी। A
नेट खत्म हो जाता है ना, प्रॉब्लम वो है ना। कॉपी ओपन करिए, कल वाली कॉपी जिसपे कल किया था आपने वर्क। कल से चीख चीख के देखो कौन है ये। यस ये किसका है, क्यू सी ओम। जिन भी बच्चों के यस, ये जो पेंसिल घुमा रहा है बच्चा, क्या नाम है बेटा आपका, ये जो पेंसिल घुमा रहे हो आप, हाँ ऑन करो, ऑन करो अपना स्पीकर ऑन करो। यस क्या नाम है आपका, ये टैग। तो बेटा इस पे आपका नाम नहीं लिखा हुआ आ रहा, अपना नाम लिखो इस पे मोबाइल पे, मोबाइल पे, मोबाइल के अंदर जो आपने डाला है ना पासवर्ड, वहाँ पे आपका मैम आप ऑफिस में आकर यहाँ से करवाइए, क्योंकि इसमें नाम शो नहीं हो रहा तो हमें प्रेजेंट नहीं लगवा पाएंगे, हम बच्चे का रो नाम नहीं पूछेंगे, हमें भी नहीं पता, तो इसमें नाम शो नहीं हो रहा है, जैसे सब बच्चों के नाम दिख रहे हैं इसमें नाम नहीं आ रहा इसका, तो अगर आप ऑफिस में आ जाइए मोबाइल लेकर, ऑफिस में मेघा मैम कर देंगी, ठीक है। ठीक है मैम, आ जाऊंगी। ठीक है मैम। ये सौम्य था ना, सौम्य नहीं नहीं यस टेक आउट योर हिंदी वन कॉपी, आज हम लिख रहे हैं यस। ये जिस बच्चे के नेम पर ये मधुबाला लिखा हुआ आ रहा है, ये बच्चा कौन है बेटा, आपका नाम क्या है, सौम्यदीप, सौम्यदीप मेघवाल। तो आपका नाम क्यों नहीं लिखा हुआ आ रहा बेटा, ये मम्मा का नाम लिखा हुआ आ रहा है इसपे, मोबाइल चेंज होगा नहीं, फिर आपका नाम लिखो बेटा, मम्मी के नाम आ रहा है इस पे, ठीक है, लिख दूंगा। ठीक है आप लोग सब बच्चे अपना स्पीकर ऑफ कर लीजिए, जिसमें हमने कल अ से अह क से ग लिखा था, आज हम लिख रहे हैं दो अक्षर वाले शब्द, नीट एंड क्लीन लिखेंगे सारे बच्चे, ठीक है। सबसे पहले ऊपर जो आपकी फर्स्ट लाइन है पतली वाली, उसमें हेडिंग डालेंगे दो अक्षर वाले शब्द, फर्स्ट लाइन पतली वाली में डालेंगे दो अक्षर वाले शब्द, उसके बाद जो नीचे वाली पतली वाली लाइन है, जो पतली वाली लाइन है ना उन्हें लिखना, ठीक है। फर्स्ट वर्ड लिखिए न ल, जब आपने दो अक्षरों को मिला दिया तो ये बन गए शब्द, तो न और ल मिलके बन गया नल। उसके बाद एक लाइन पतली वाली आपको छोड़नी है, फिर आप लिखेंगे नल के जो दिख रहे ना फिर दिल से नीचे लिखना पूछना हो, अब 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 लिख, फिर लिखिए आप फ ल फल, अपना स्पीकर बंद कर दीजिए और बोल बोल के लिखिए, मैं एक एक बच्चे से पढ़वाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिखा है, ठीक है। आपको बोल बोल के लिखना है, लेकिन अपना स्पीकर ऑफ रखेंगे आप, क्या लिखता ना आज लिखा आज की माता के लगाई अभी पल्ले, इसके बाद लिखेंगे दस दस पल्ले, ठीक है। इसका स्पीकर ऑन है बेटा, स्पीकर ऑफ कर दो आप, जिसका भी स्पीकर ऑन है म्यूट कर दीजिए, और मन में बोल बोल के लिखिए, एक एक बच्चे से मैं अभी रीडिंग करवाऊंगी, ठीक है। दस फाइव नंबर पे लिखेंगे आप ग ज गज, गज मीन्स हाथी, हाथी को बोलते हैं गज। आपके नीचे जगह बच्चे सुनो सारे बच्चों, अगर आपके नीचे यहाँ पे स्पेस बचा हो कॉपी में तो आप उसी के नीचे नंबर डालना, वरना वन के सामने सिक्स नंबर डाल के लिखेंगे आप।
कुछ नहीं कर सकते कि कलर पार्ट ट ब टब सेवन नंबर पे लिखेंगे क प कप एट नंबर पे लिखेंगे आप लोग फ लिख के जल्दी पे मैं करवा दूंगी जो भी लिखा नहीं जल्दी लिख लिखे जा लिखे ना मैं कुछ दिखी नहीं रहा बहुत छोटे लिख रही हूँ छूटते रहते पागल की और बच्चे कितने लिख रहे वाले शब्द कराए हैं फिर तीन अक्षर वाले करवाऊंगी और चार अक्षर वाले शब्द करवाऊंगी उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो जब बच्चों का बेसिक क्लियर होगा तभी आप आगे बढ़े ये नहीं कि आपने आते ही फर्स्ट डे उनको बुक पढ़ानी शुरू कर दी क्योंकि छोटे बच्चे हैं वो एलकेजी एचकेजी यूकेजी से या कहीं पर एचकेजी बोलते हैं यूकेजी बोलते हैं तो वहां से बच्चे डायरेक्ट फर्स्ट में आया है तो लॉकडाउन का टाइम था उन्हें बुक पढ़नी नहीं आ रही है तो हमें धीरे धीरे ही आगे बढ़ना पड़ेगा तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी मैं आपको इस तरह से वो नई नई वीडियो आपके साथ शेयर करती रहूंगी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ओके देन थैंक यू बाय।